सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं आयरलैंड वर्क परमिट के बारे में, मतलब आयरलैंड में किस तरह से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे हमारे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा वो है आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए? जॉब वेबसाइट चाहिए। जॉब की वेबसाइट आपको कहाँ से मिलेगी? कई सारे जॉब जाके नेट पर ढूंढते हैं और आपको गलत वेबसाइट मिल जाती है जहाँ पे आपको ढेरों दिन लगते हैं फिर भी आपको जॉब का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा होता है। इसलिए मैं आपको पहले जॉब की कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ, देन हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से जॉब मिलती है। सबसे पहली जो जॉब साइट है jobs.ie, ये सबसे अच्छी वेबसाइट है जो मैंने मतलब अपने रिसर्च में पाया है। देन दूसरी जो है वो है irisjobs.ie, देन तीसरी जो है वो है recruitmentireland.com, साथ ही तीसरा जो है adverts.ie और चौथा जो है वो है read.co.uk। ये चार जो वेबसाइट हैं ये आपको काफ़ी जल्दी जॉब दिलाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन का नाम है जॉब्स इन आयरलैंड /Dublin। ये जो एप्लीकेशन है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है जॉब ढूंढने में। देन जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाते हैं देन सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है अपना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है बट फिर भी कुछ लोग मतलब गड़बड़ा जाते हैं, तो उनको मैं बोलूँगा अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो जीमेल अकाउंट से डायरेक्टली भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अपना जीमेल अकाउंट से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है देन आपको करना है अपना CV अपलोड। कई सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि भाई CV क्या होता है। CV होता है कम्युनिटी वाइटल, मतलब आपका रिज्यूम का ही अपडेटेड वर्जन होता है। तो कृपया करके मतलब ज़्यादा दिमाग ना लगाए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा किस तरह से आपको CV बनाना है और एक CV का सैंपल भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं और अपना CV बना सकते हैं। CV बनाने के बाद उसे अपलोड कीजिए उस वेबसाइट में। जैसे आप अपलोड करते हैं देन आपको सर्च करना है आपके लिए जॉब। किस तरह से सर्च करना है? अगर आप सेफ हैं देन सेफ लिखना है एंड सर्च। अगर आप वेटर हैं वेटर लिखना है एंड सर्च। देन इस तरह से आप जब सर्च करेंगे देन एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपको क्लिक करना है, जो भी जॉब आपको पसंद हो उसमें आपको अप्लाई करना है। क्योंकि आपने अपना CV पहले से अपलोड कर रखा है तो डायरेक्टली आपका CV जो भी कंपनी में आप अप्लाई करें उनके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं देन जनरली जो यहाँ पे टाइम लगता है 14 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम लगता है जनरली। अगर आप सिलेक्ट होते हैं देन वो आपको मेल करेंगे। मेल करने के बाद आपको एक लेटर आएगा कि आप इस जॉब के लिए ये टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप राजी हैं देन एक कंसर्न लेटर लिख के भेजिए। अगर आप एक कंसर्न लेटर लिख के भेजते हैं देन आपका अपॉइंटमेंट लेटर विद इन 7 to 8 days वहाँ से आ जाता है और उसके बाद आप वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट नोट डाउन करनी पड़ेगी जो कि मैं अपने हर वीडियोज़ में ऑलमोस्ट बताता हूँ, वो है VFS Global। VFS Global आयरलैंड अगर लिखेंगे देन भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, पर वह पूरी वेबसाइट है www.vfsglobalirelandvisa.com। इसमें आप जाइए और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रोसेस भी एकदम इजी है। और एक बार आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया देन होप कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप पहुंचे आयरलैंड में ऑन वर्क परमिट। काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगा प्रोसेस? जी हाँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये प्रोसेस। वैसे तो काफ़ी सिंपल है ये प्रोसेस, फिर भी आपका कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।